नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंकिंग है, उस एप्लीकेशन में कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अगर आप ग्राहक हैं तो उसमें जो है ट्रांजैक्शन लिमिट कैसे सेट किया जाता है और अपने से भी आप मैनेज कर सकते हैं और अपने जो है जो अभी लॉन्च हुआ है वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि रुपये कार्ड जो है उसका जो है आप अगर किसी तरह से मिसयूज होता है तो आप उसे ब्लॉक और अनब्लॉक कैसे करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आप परमानेंट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो टेम्प्रोरी भी कर सकते हैं, तो ये सब कैसे किया जाता है, तो आइए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन में। सबसे पहले आपको जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पे जो है एमपिन से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां पे लॉगिन कर लिए। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहां पे होम पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद यहां पे रुपये कार्ड का एक ऑप्शन है, यहां पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद वर्चुअल डेबिट कार्ड पे आप क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है अगर रिक्वेस्ट किए होंगे वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि अप्लाई किए होंगे तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अपना व्यू डिटेल चेक करना चाहते हैं यानी कि कार्ड का फुल नाम, कार्ड का फुल नंबर और उसके बाद सीवीवी नंबर ये सब जो होता है, तो यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आप क्लिक करके यहाँ पे एम पिन डाल के जो है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम चलिए बैक आ जाते हैं। उसके बाद फिर से रुपये कार्ड पे क्लिक करेंगे, वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैनेज लिमिट का है, तो आप ट्रांजेक्शन कितना करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं का बाय डिफॉल्ट जो है 50,000 ट्रांजेक्शन यहाँ पे सेट है, यानी कि 50,000 से आप ऊपर यहाँ पे सेट नहीं कर सकते हैं, 50,000 के अंदर ही आप कर सकते हैं। तो आपका दिन का ट्रांजेक्शन है 10,000, तो यहाँ पे आप जो है 10,000 यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कन्फर्म पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। आप ओटीपी डालेंगे तो आपका यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए ब्लॉक और वर्चुअल डेबिट कार्ड है, तो यहाँ से आप टेम्प्रोरी भी ब्लॉक कर सकते हैं और परमानेंट भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल हमको जो है कोई भी ब्लॉक नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं टेम्प्रोरी पे आप क्लिक करेंगे, अगर करना चाहते हैं तो हमको अभी नहीं करना है। और जो भी आगे टर्म एंड कंडीशन आएगा, जैसे कि ओटीपी के द्वारा आपको वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है या नहीं तो एमपिन के द्वारा वेरिफिकेशन इसको करना पड़ सकता है, तो आप आगे कर सकते हैं। उसके बाद परमानेंट भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमको अभी परमानेंट ब्लॉक नहीं करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताया आप इसी तरीके से जो है ट्रांजैक्शन में लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि आपका कार्ड यूज मिसयूज हो रहा है तो आप यहां पे परमानेंट और टेम्प्रोरी भी ब्लॉक कर सकते हैं। सो दोस्तों आप इसी तरीके से जो है अपने ट्रांजैक्शन लिमिट को भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को भी यहाँ पे जो है टेम्प्रोरी या परमानेंट भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।